हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ मगौड़ी आलू की सब्ज़ी। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिले, मैं दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहें। प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो मैंने ये ले लिए हैं 5-6 आलू, 2 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 लहसुन का मिठा। और ये ले लिए हैं मैंने 2 मुट्ठी मंगौड़ी, 1 कप या कुछ भी समझ लो, 2 मुट्ठी मैंने ले ली हूँ बड़ी मुट्ठी भर के। तो उनको तैयार कर लिए। अब देखो बनाना बता रहे हैं, लोहे की कढ़ाई, हाँ आयरन से भरपूर लोहे की कढ़ाई में ही बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें तेल डाल लिया 2 बड़े चम्मच और ये मंगौड़ी भिगो के रख ली गई। बस तुरंत भिगो के 1-1 मिनट के बाद इनको हम निकाल के फ्राई कर लेंगे। तो इसको धुल देंगे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। और अब इसको मैं कढ़ाई देख रही हूँ, कढ़ाई में मेरा तेल हो चुका है गरम। तो अब मैं इसमें डालेंगे मंगौड़ी। तो देखिए मंगौड़ी डाल के हम कैसे करते हैं फ्राई। मंगौड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि उनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इनको अच्छी सी खुशबू आने लगती है, सौंधी सौंधी की खुशबू आती है। तो मैं इसको चम्मच चला के करूँगी फ्राई चम्मच से। तो देखिए कैसे करते हैं फ्राई। हाँ, आपको मंगौड़ी बनाना नहीं आती तो कमेंट में बताना, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों को, पर मेरी वीडियो एंड तक देखना प्लीज। तो देखिए अपनी मंगौड़ी कर रही हूँ तैयार। तो मंगौड़ी निकाल ले रही हूँ और इसमें ज़रूरत के लिए तेल भी बच जाएगा और मैं इसी तेल में सारी सब्ज़ी तैयार कर दूँगी। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है अपनी इच्छा के अनुसार तेल और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इतने में ही बनानी है। तेल ठीक है हमारी सब्ज़ी के लिए तो इसी में, क्योंकि तेल इसमें भी हो चुका है, सरसों का शुद्ध तेल है, इसमें भी हो चुका है मंगौड़ियों में तेल, ये भी छूट जाएगा सब्ज़ी में बाद में। तो अब ये तेल बच चुका है, थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें हम लगाएंगे जीरे का तड़का। देखो पहले मैंने छोटी आधी चम्मच जीरा डाल दिया और जीरा हो चुका है तैयार। अब इसमें डाल देते हैं जो मेरे प्याज, हरी मिर्च और आधा छोटा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और मिक्स किया था लहसुन प्याज का काट के रख लिए थे, चिल्ली कटर से मैंने काटे, पेस्ट नहीं बनाया था मैं, जल्दी में थी सुबह, थोड़े बच्चे और जा रहे थे स्कूल तो इसीलिए। ये 1 चम्मच डाल दी थी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये और आधा चम्मच गरम मसाला, ये सारे मिला के मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। उनके तैयार हो जाएंगे, इसमें डाल देंगे हम मंगौड़ी और आलू डाल के अच्छे से चलाएंगे, जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे, चलाते रहेंगे तो अच्छे से फ्राई कर दे रहे हैं। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसमें डालेंगे हम नमक, वैसे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है छोटे चम्मच, अगर आप जैसा पसंद हो वैसा नमक डाल सकते हैं। और इसमें हाँ 2 बड़े गिलास पानी, सब्ज़ी पूरी अंदर हो जाए पानी के, इतना पानी मिलाते हैं मंगौड़ी की सब्ज़ी तभी अच्छी लगती है। मंगौड़ी की सब्ज़ी वैसे तो हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ राइस के साथ तो बहुत ही पसंद है हमें, और आप लोग अपने हिसाब से खा सकते हैं। इसको ढक देते हैं पानी डाल के और 2-3 मिनट में एक बार चला के देखेंगे और फिर इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। पकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, देखते हैं कैसी होगी सब्जी। तो
हम खोल के देख रहे हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैं सब्जी को अच्छे से चलाएंगे। सब्जी हो चुकी है तैयार, देखो ऐसे कट जाती है। तो इसकी सब्जी रसीली पसंद है, रसीली होती है, क्योंकि रसीली बनाओगे तो तभी मंगौड़ी सूखी अच्छी नहीं लगती है। इसमें मैंने बारीक धनिया काट के रख लिए थे, धनिया मिला दिए हैं मैंने। और देखो सब्जी का रंग कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा रंग, कलर ही कुछ और है इस सब्जी का, देखो। और तो इसकी अभी मेरे पास यहाँ चमचा नहीं है, मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि किचन में हम रखते नहीं हैं चूल्हा, बर्तन ख़राब हो जाते हैं वहाँ से। तो देखियो मैं ऐसे ही निकाल ले रही हूँ और ढक दे रही हूँ सब्जी को। तो इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सब्जी बहुत अच्छी है। तो शायद हम लोग चपाती के साथ भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन राइस के साथ तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट। प्लीज़ एक बार बनाएं, पर हाँ लोहे की कढ़ाई में बनाएं। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, लोहे की कढ़ाई का टेस्ट ही कुछ और है। तो बाय बाय, देखना मत भूलना, सब्सक्राइब।